जी न्यूज इंडिया हकीकत अब तक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं दिन भर के मुख्य समाचार। लॉकडाउन को लेकर जहां प्रशासन आवश्यक वस्तुओं को लेकर सख्ती बरत रहा है, वहीं उड़वारिया गांव में राशन डीलर द्वारा कालाबाजारी के चलते उपभोक्ताओं को कम राशन देने का मामला सामने आया है। उचित मूल्य की दुकान पर राशन डीलर द्वारा लोगों को कम गेहूं देने की शिकायत पर सरपंच जेताराम चौधरी द्वारा मौके पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया और लोगों को वितरित किए गए गेहूं का वजन किया गया, जिस पर कई उपभोक्ताओं के राशन में गड़बड़ी मिली। डीलर द्वारा गेहूं देने के बाद उसे सरपंच द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे पर वजन किया गया, जहां वास्तविक रूप से 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक कम गेहूं मिले। फिर वहां लोगों को पुनः राशन की दुकान पर पहुंचे, जहां पर भी मौजूद वजन कांटे पर वजन किया तो वहां भी वजन में गड़बड़ी मिली और बोरी में गेहूं कम मिला। यह धांधली पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिसकी सरपंच ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी की। खाली नहीं करेगा ना, खाली काम तो कर दिया। एक सेकंड नहीं नाकना मैं तो माइलेज माइलेज।